अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीना फरीदी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हीना हेल्थ। क्या आप भी बहुत सालों से ट्राई करते हुए थक गए हैं, प्रेगनेंसी फिर भी कंसीव नहीं हो रही, डॉक्टर्स की क्लिनिक के धक्के खाकर काफ़ी पैसे खर्च कर चुके हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ जहाँ पे हमारी पेशेंट ने शादी के 5 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव की। इन 5 सालों में काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी पैसे डाले, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं आया। वेट ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर्स इनके वेट पे ही टारगेट करते कि वेट लूज़ करिए तब प्रेगनेंसी होगी, लेकिन प्रियंका का वेट लूज़ हो ही नहीं रहा था और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पा रही थी। लेकिन डॉक्टर्स लगातार वेट कम करने के लिए कह रहे थे और प्रियंका को टेंशन हो रहा था कि 5 साल हो गए शादी को, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है और ना ही वेट लूज़ हो पा रहा है। आइए मैं आपको बताती हूँ प्रियंका की पूरी टेस्टिमनी, कैसे इन्होंने शादी के 5 साल बाद कंसीव किया और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो आगे पहुंच सकता है और भी इनफर्टिलिटी महिलाओं तक पहुंच सकता है। हमारे पेशेंट का नाम है प्रियंका, जो पिछले 5 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। इनकी एज ज़्यादा नहीं है, ओनली 25 ही एज थी, लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से ये काफ़ी चिंतित थी कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, और सारे डॉक्टर्स इनको ट्रीटमेंट देने के साथ साथ वेट लॉस करने के लिए रेकमेंड करते। लेकिन प्रियंका की लाख कोशिशों के बाद भी वेट इनका लूज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सभी को पता है PCOD और थायराइड जैसी कंडीशन में वेट लूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन प्रियंका के पास उतना समय नहीं था कि वो इतना समय दे और वेट लूज़ करके प्रेगनेंसी कंसीव करे। घर वालों का काफ़ी प्रेशर था कि जल्द से जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करना है। प्रियंका ने हमारा YouTube पे चैनल देखा, काफ़ी टेस्टिमनीज देखकर इंस्पायर हुई और उन्होंने हमें कंसल्ट किया 2022 में। कंसल्टेशन के दौरान में उनकी रिपोर्ट्स हमने चेक की, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जाना। रिपोर्ट्स में हमने देखा उनको PCOD की दिक्कत थी, अंडे सही समय पे बन नहीं रहे थे और फूट नहीं रहे थे, एग क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, पीरियड का फ्लो भी अच्छा नहीं था और पीरियड्स भी इरेगुलर थे, इसी के साथ में इनका वेट भी ज़्यादा था। सबसे पहले प्रियंका का एक ही क्वेश्चन था कि क्या मुझे वेट लूज़ करने की ज़रूरत है या मैं ऐसे ही कंसीव कर सकती हूँ। तो मैंने इनको एक ही आंसर दिया, अगर आप 2-3 किलो भी कम कर लेते तो आपके PCOD पे काफ़ी इफेक्ट आएगा और आप नेचुरल कंसीव कर लोगे। और हमने इनको 2 महीने का ट्रीटमेंट दिया जिसमें फर्टिलिटी किट, डाइट प्लान और योगासन रेकमेंड किया था। लकीली प्रियंका ने ओनली 1 मंथ के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, वेट भी लूज नहीं किया, ऐसे ही प्रेगनेंसी हो गई, अंडा भी फूटा, कंसीव भी हो गया। 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को इन्होंने जन्म दिया है, जिसकी इमेजेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इमेजेस इसलिए भी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का मोटिवेशन बढ़े। वैसे तो हम डेली कम्युनिटी पोस्ट पे आप लोगों के लिए टेस्टिमनीज अपलोड करते हैं ताकि आपका उत्साह बढ़ते रहे, क्योंकि इनफर्टिलिटी जब हम फेस करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं। कुछ कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है, इतना पैसा नहीं होता कि वो इलाज करा सके। तो ऐसे वीडियोस देख के, कुछ होम रेमेडीज़ फॉलो करके अगर आप लोगों की मदद होती है तो हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रियंका को क्या ऐसा ट्रीटमेंट दिया था जिससे प्रेगनेंसी इनको नेचुरल कंसीव हो गई। सबसे पहले हमने मॉर्निंग में PCOT दी थी, फर्टिलिटी टी दी थी, जीव पुष्टि, PCOD क्योर, ओवुलेशन बूस्टर दिया था, उसके साथ में एक अशोकारी सिरप दी थी ताकि उनका मंथली साइकिल रेगुलर हो जाए, हस्बैंड को शोभांजना और बीज पुष्टि दी थी, योगासन रेकमेंड किया था डेली 20 मिनट करने के लिए और 45 मिनट की वॉकिंग बोली थी, जो इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया। साथ ही में हमने इनको ऑलिव वाटर भी दिया था, यानी कि ऑलिव 1/2 टीस्पून 1 कप पानी के अंदर सोक करके ओवरनाइट रखना था और मॉर्निंग में इनको एम्प्टी स्टमक ले लेना था। ये ऑलिव वाटर से भी इनको काफ़ी बेनिफिट मिले, बॉडी में हॉर्मोन्स बैलेंस हुए और इनको नेचुरल 1 महीने के अंदर ही कंसीव हो गया। अगर आप लोग भी ऑलिव वाटर यूज़ करना चाहते हैं तो ऑलिव वाटर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी बता देती हूँ, ऑलिव आपको कोई भी शॉप पे इजीली मिल जाएगी, जनरल स्टोर पे भी मिल जाएगा आपको। ऑलिव आपको सीड लेनी है 1/2 टीस्पून, उसको 1 कप वाटर में भिगो के रखना है,
ओवरनाइट और फिर उसको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले लेना है। ये थोड़ा तासीर में गर्म होता है, अगर किसी की बॉडी ऑलरेडी हीटेड है तो आप लोग इसको अवॉइड करिए। बाकी सारी टिप्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं। किसी को अगर पीसीओडी की दिक्कत है तो मैंने पीसीओडी के ऊपर पूरा 20 मिनट का वीडियो बनाया है, पीसीओडी में होने वाली हर एक प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन भी बताया है उस वीडियो के अंदर। तो जाइए उस वीडियो को फॉलो करिए, आपको ऐसे ही नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी बिना कुछ पैसे खर्च किए हुए। लेकिन अगर वो वीडियो फॉलो करने के बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है और हर एक की मेडिकल कंडीशंस भी अलग होती है, तो अगर आपको वो वीडियो फॉलो करने के बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग एक बार फर्टिलिटी किट ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, जिस तरीके से प्रियंका ने इस्तेमाल किया और नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की। क्योंकि प्रियंका जब हमारे पास आई थी वो ऑलरेडी पहले होम रेमेडीज ट्राई करके ही आए थे, उनको उससे कोई रिजल्ट्स नहीं मिले थे, तब हमने उनको फर्टिलिटी किट दी थी, जिसका रिजल्ट उनके लिए काफ़ी बेटर रहा, उन्होंने कंसीव भी किया और एक बच्चे को डिलीवर भी किया। अगर आप भी माँ बनने के अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, बहुत कोशिश के बाद भी ट्राई कर रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो आपके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ऑफलाइन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको व्हाट्सअप करना है आई वांट अपॉइंटमेंट या मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। डीपी पे भी सारा प्रोसीजर लिखा हुआ रहता है हमारे व्हाट्सअप के, आप वो भी देख के फॉलो कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि फर्टिलिटी किट हमें कैसे मिलेगी। फर्टिलिटी किट ओनली अंडर कंसल्टेशन मिलती है, पेशेंट की मेडिकल प्रॉब्लम को देख कर और उनकी रिपोर्ट्स को देखकर। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है तो क्या हम कंसल्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कंसल्ट कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कंसल्टेशन के बाद में कि रिपोर्ट्स करवाने की ज़रूरत है तो हम आपको आफ्टर कंसल्टेशन प्रिस्क्राइब करते हैं रिपोर्ट्स करवाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अनदर न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।